नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। मुकुल नाग जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। ये इस इंटरव्यू का दूसरा भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि मुकुल नाग जी को श्री कृष्णा धारावाहिक में सुदामा का किरदार कैसे मिला। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे रामानंद सागर जी ने मुकुल नाग जी को साई बाबा के किरदार के लिए चुना। इन दोनों किरदारों के कास्टिंग के पीछे बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, तो इस इंटरव्यू में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं आपके सुदामा के किरदार की। एक तरह से देखा जाए तो ये किरदार आपके फिल्मी करियर में बहुत ही महत्व रखता है। एक तरह से मील का पत्थर बन चुका है कि इस तरह से सुदामा का किरदार जो आपने किया वो इस तरह से अभी तक कोई कर नहीं सका। जब हम कल्पना करते हैं कि सुदामा जी कैसे रहे होंगे, इस पर आपका ही चेहरा सामने आता है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपको कि ये किरदार आपको कैसे मिला और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और ये किरदार आपके दिल के कितना करीब है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सुदामा मेरे को मिला जी, वो सुनकर मैं खुश नहीं था। क्योंकि मुझे लगा कि सुदामा इतने गरीब और एक काया से उनका शरीर जो है बहुत ही कमज़ोर काया होगी, और दुबले पतले से होंगे जी। कहाँ मैं भारी भरकम, मतलब 6 फीट का, और कैसे ये। लेकिन मेरे को पापा जी ने बुलाया था और मेरे को बोला कि तुम्हें कल जाना है और तुम्हें ये रोल करना है। तो मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकता था जी, क्योंकि मैं उनका आदर करता है, सम्मान करता था, और उनके बगैर तो बड़ा मुश्किल था। तो मैं घर पे आया और घर पे आके वाइफ को बोला कल से मेरा काम शुरू है। और खुश भी मैं इसलिए था क्योंकि और कुछ काम था नहीं, और बहुत दिनों बाद एक काम मिला था जी। तो लेकिन ये 2-3 एपिसोड बोला था, ठीक है चलो कुछ तो पैसा आएगा जिससे कि अपनी गृहस्थी थोड़ी सी आगे चलेगी, क्योंकि मेरी शादी भी उसी साल हुई थी 98 में। अच्छा, तो हाँ जनवरी में शादी हुई और ये मेरे ख्याल से मई में इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी, अप्रैल मई के दौरान। अच्छा, हाँ तो चलो ठीक है, सामान वामान पैक किया, वाइफ को बोला भाई ये अगर कुछ जाना है तो मेरे इधर दादर में मेरे भाई सब रहते हैं। मैंने कहा मीरा रोड में रहता था और अभी भी रहता हूँ मीरा रोड में। फिर उनको स्टेशन गिना दिए, भाई इतने स्टेशन और उसके बाद दादर आएगा, तो तू यहाँ से चढ़ना, यहाँ ये करना, वो सब समझा के मैंने कोई प्रॉब्लम हो राशन वगैरह जो भी था वो सब व्यवस्था करके मैं गया। वहाँ पहुँचा सुबह और उसके बाद मेकअप के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को विग लगा दिया, वो चोटी वाला विग बनाया था लेटेक्स वाला, और वो लगा दिया गर्दन में लगा दिया। और वो तो थोड़ी देर बाद देखा मेरी ना तो गर्दन मुड़ रही है ना मैं गर्दन का मूवमेंट करता हूँ तो खिंचता है, मुझे तकलीफ भी हो रही थी। और मुझे शक्ल जब मैंने शीशे में देखी तो मुझे लगा कि यार ये जोकर टाइप कुछ हो गया है। मैं खुश नहीं था और मैंने गुस्से में वो सब उतार दिया, मैंने नहीं करना मेरे को ये सब काम, जिससे मैं ही खुश नहीं हूँ, कैरेक्टर खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा जी। मैं अपने कपड़े वपड़े उतारे, अपने कपड़े पहने और मैं स्टूडियो से बाहर निकल गया। बड़ौदा में लक्ष्मी स्टूडियो बिल्कुल बड़ौदा शहर से बाहर है, करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके मेरे को मार्केट सा मिला। तो वहाँ घूम रहा था, अचानक मुझे नाई की दुकान दिखी, तो पता नहीं क्या मैं नाई की दुकान में घुस गया। अच्छा, मेरे बड़े अच्छे बाल थे, मैंने नाई को बोला काट दे, तो वो कैंची वैंची लेके आए कतरने के लिए। मैंने क्या करना भाई, अरे बाल काट देता हूँ, बड़े अच्छे बाल हैं आपके, उसने ऐसे सहलाया। और मैंने कहा नहीं सफा चट कर दे। अच्छा, गुजराती था तो उसे सफा चट कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मेरठ का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, तो मैंने कहा सफा चट कर, तो उसे समझ आया कि क्या। मैंने गंजा समझता ना, कर हाँ गंजा कर दे मेरे को। अरे सर कितने अच्छे बाल हैं आपके, तो बड़े खूबसूरत बाल हैं। मैंने कहा खूबसूरत क्या, तेल देने, तो मतलब काट देना, तो बिल्कुल काट दे। तो उसने उस तरह लगाया और धीरे धीरे काटने लगा, और फिर पहला हो गया। मैंने कहा भाई इसको शेव कर, तो सामने लगा के शेव किया, फिर मैंने हाथ लगा के देखा,
अभी कुछ खुरदुरापन लग रहा था, थोड़ा और छील, वो छीलते छीलते एक आध कट भी लग गया और वो बिल्कुल, और जब बिल्कुल चिकना हो गया मैंने उसे पैसे दिए आ गया। जी। स्टूडियो के पीछे वाले रास्ते से मैं साइट से एक रास्ता जाता था, वहाँ से फिर मेकअप रूम में घुसा और हमारे जो हरी दादू, हम दादू बोलते हैं मेकअप दादा, वो सीनियर, तो उनको ये कैसा कर दिया तूने, मेकअप करो मेरा। तो फिर उन्होंने मेकअप शुरू किया, फिर ऐसे करो, फिर आइस के नीचे करो, ये करो, अरे स्किन खराब हो जाए, मैंने खराब होने दें। तो फिर वो मेरे को वो सरदारों का जो गम होता है ना, वो लगाने वाला जो दाढ़ी में लगाते फिक्सर जी, तो मैंने कहा फिक्सर कुछ ऐसा है, कुछ है मतलब कर क्या करेगा, मैंने दो ना ये। तो फिर मैंने हल्का हल्का आँखों पर लगाया, आँखों के नीचे, तो और उसके बाद सूखने के बाद वो फटी मेकअप के ऊपर, तो रियल वो फील होने लगा मेरे को। अच्छा। फिर कपड़े मंगाए मैंने, फिर कपड़े को धो, धुला हुआ कपड़ा, सुदामा गरीब था भाई, जिसका मेरे पास है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो धुले हुए कपड़े पहनेगा, गंदा करके लगा, उन्होंने अंबर अंबर लगा के दिया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं गया फिर जाके फर्श पे रगड़ा, इसमें मिट्टी डाल, कीचड़ डाल, फिर उसको साफ किया, फिर वो गीला हो गया था, फिर उसे प्रेस करके सुखाया, फिर हाथ से ऐसे क्वीज कर दिया और सिलवट वगैरह ये सब हो गया। फिर मैं धोती फाड़ी, मैंने डंडा दे दे मेरे को, डंडा वंडा लिया और चोटी उन्होंने अलग से चिपका दी, चोटी नकेली थी तो मैं फंस जाता, तो लकीली एक चोटी थी तो वो चोटी लगाई गई पीछे। और फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को ब्रेकअप करें, मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि अब कुछ कुछ लग रहा हूँ मैं, जब खुद को सेटिस्फेक्शन होता ना तो आप फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। जी। मैंने अब थोड़ा सा तो कुछ लग रहा हूँ, थोड़ा और देखते हैं सेट पे, थोड़ा और मूड बनेगा। तो मैं धीरे धीरे उसी चाल में, जो आपने शायद देखा होगा, तो उसी चाल में आ रहा था। जी। मोती सागर जी को शॉट लेना था। अच्छा। तो काफी दूर थे, मोती सागर जी सबसे छोटे सुपुत्र हैं रामानंद सागर जी के। जी। तो उनको शॉट लेना था, सीन करना। जी। जी। तो हमारे बीच में काफी डिस्टेंस थी, तो उन्होंने कहा कि भाई स्टूडियो में भिखारी कहाँ से आ गया, निकालो इसको। तो मैं थोड़ा तेज गति से आया, मेरे को कान में सुना, मेरे कान बड़े तेज हैं, कान नाक नाक जी, तो सुनाई पड़ गया। मैंने कहा यार इसको भिखारी बोल दिया। खैर मैं थोड़ा सा फास्ट चला और उनके पास, मैं भिखारी नहीं हूँ, आपका एक्टर हूँ। घट से मेरे को देखा, चलो शूटिंग करते हैं। अब उनको लगा कि यार कैरेक्टर आ गया है। इसी बीच उनको किसी ने कहा था कि मुकुल तो भाग गया, वो मेकअप वेकअप उतार के, तो उन्होंने कहा नहीं कि वो आएगा जरूर, पता नहीं उनको क्या विश्वास था मेरे ऊपर। तो फिर और मोती जी ने इतना अच्छा शॉट लगाया और उतनी ही खूबसूरत लाइटिंग, संतोष जी जो हमारे कैमरामैन थे उन्होंने कर रखी थी, ऐसे मूड लाइट थी। और वो जो शॉट था कि मैं हरे कृष्णा का जाप कर रहा हूँ, चार बच्चे सोए हुए हैं, मेरी बीवी लेटी हुई है, मैं धीरे धीरे उठता हूँ, रसोई की तरफ जाता हूँ और जाके एक एक बर्तन चेक करता हूँ, कुछ खाने को होगा, कुछ नहीं है, एक हंडिया में एक चावल का दाना दिखता है, उस दाने को उठाता हूँ, आधा तोड़ता हूँ, दो पत्तलों में रखता हूँ, आधा मैं विष्णु जी को चढ़ाता हूँ और आधा अपनी पत्नी के पास रखता हूँ, बस ये साइलेंट शॉट था। जी। वो इतना ब्यूटीफुल शॉट था और इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग थी और मुझे पूरा पूरी तरह से छूट दे रखी थी कि जितना टाइम लगे तो अपने मूड से चलना, ये मत सोचना कि लेट हो रहा हूँ क्या हो रहा हूँ, लेकिन एक रिदम जरूर रखना। जी। मैंने कहा ओके। और वो जो शॉट हुआ वो पूरा इतना सारा मास्टर शॉट, और वो उसके बाद मैं इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह से, क्योंकि एक एक अंदर से वो पूरी चीज़ फीलिंग आ गई, क्योंकि पहले मेकअप हो गया, उसके बाद ब्यूटीफुल सीन, उसका ब्यूटीफुल लाइटिंग, मूड लाइटिंग और एक डायरेक्टर की छूट। जी
कि समय लेना अपने अनुसार एक रिदम के साथ करना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बस एक्टर को क्या चाहिए। जी ओके। उस दिन से मेरे को किसी भी डायरेक्टर ने, क्योंकि आनंद सागर जी भी डायरेक्ट करते थे, मोती जी भी करते थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ये करो, सिर्फ शॉट क्या है और क्या है, बाकी वो मुकुल करेगा। और अनुराग जी आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं एक या दो एपिसोड के लिए गया था, पूरे 13 एपिसोड मैंने इसके किए। अच्छा, इतना अच्छा लगा लोगों को, इतना अच्छा लगा कि सीन पे सीन लिखते चले गए और एक जो लोगों का प्यार स्नेह सब कुछ मेरे को मिला जी इस ड्रामा से। जी अच्छा, सुदामा के बाद आपने अश्वत्थामा का किरदार किया और उसी दौरान आपका एक और धारावाहिक चल रहा था, जय गंगा मैया, जिसमें आपने नारद जी की भूमिका निभाई। तो कितना चैलेंजिंग होता है कलाकार के लिए कि आप लगातार अलग अलग तरह की भूमिकाएं कर रहे हैं? क्या कुछ परेशानी आपको आती थी इस अलग अलग किरदार की, आप नारद जी बने हुए हैं, फिर सुदामा बन रहे हैं, फिर अश्वत्थामा बन रहे हैं, क्या कुछ परेशानी आती थी? देखिए, यहाँ मैं अपना प्रशिक्षण जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रशिक्षण जी, और थिएटर जी, नाटक करना जी, इसने मेरे को मतलब ये जो डिफरेंस जो आप बोल रहे हैं ना जी, ये जो मतलब एक तरफ मैं नारद भी कर रहा हूँ, एक तरफ सुदामा भी कर रहा हूँ, अश्वत्थामा भी कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो सीखा जी, एक से एक डायरेक्टर्स, एक से एक टीचरों के संपर्क में आकर जो वो कैरेक्टर को मतलब अपने से जोड़ना जी, क्विक, और उससे पीछे रिसर्च करना, सोचना। मैं अगर गेम भी खेल रहा हूँ तो कैरेक्टर के बारे में ही सोच रहा हूँ। हम लोग कैरम खेलते थे वहाँ, क्योंकि सीन वीन नहीं होता था तो कैरम खेलते थे, खेलते खेलते मैं सोचता था अच्छा ये सीन मेरा अभी 6 घंटे बाद आएगा, तो अच्छा इसमें अगर शॉट अगर ऐसे लगा तो मैं क्या करूँगा, तो ये चलती रहती थी मेरे दिमाग में, इसको मैं कैसे वो करूँगा, ये बिल्कुल अलग लगे, तो ये जो डिफरेंस करना, ये सब थिएटर की देन है। और इसके लिए मैं अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत आभारी हूँ, ये हमारी माँ है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हमारी माँ है और हम अपने माँ का सम्मान बहुत करते हैं। अगर मैंने यहाँ से नहीं सीखा होता या मैंने यहाँ प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो आज इस तरह से ना आप लोग मेरे को बुलाते और ना ही मेरा इंटरव्यू लेते और ना ही इतना प्यार सम्मान मुझे मिलता। जी जी। श्री कृष्णा के बाद आपका एक और, मतलब आप कहें कि आपके पूरी फिल्मी करियर का एक और बहुत बड़ा किरदार है साईं बाबा का, जो कि स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था, तो वो किरदार आपको साईं बाबा का कैसे मिला और उसके पीछे आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई? देखिए थोड़ा सा लंबा रहेगा जी, बिल्कुल जी, क्योंकि साईं बाबा एक इतिहास है जी, एक लोगों की श्रद्धा है, भावना है बाबा के प्रति जी, उसको एक पर्दे पर उतारना मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं था जी। और सुदामा के बाद मिस्टर गौतम जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं साईं बाबा सीरियल बनाऊंगा जी, तो उसके लिए उन्होंने मेरा चुनाव किया सुदामा देखने के बाद जी, तो उन्होंने कई सारी किताबें दी, वो पढ़ी, एक या दो दिन की शूटिंग भी की थी हमने, लेकिन सोनी पे आना था, फिर पता नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और चैनल के बीच क्या बात हुई और वो प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। तो उस दौरान जो बाबा को जाना, बाबा की चीज़ों को जाना, बाबा को पढ़ा मैंने, वो मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि यार कभी ये रोल करने को मिला तो बहुत अच्छा कर पाऊँगा,
शायद जी, तब सोचा भी नहीं था कि बाबा के बारे में कोई बनाएगा, क्योंकि एक आघात लगा था, करते करते नहीं हुआ जी। चलो इसी बीच मैंने कई फिल्में भी की, और उस दौरान मैं फिल्म जो कर रहा था वो जब ऑडिशन से पहले जी, श्याम बेनेगल की फिल्म कर रहा था मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। उसमें एक सरदार का किरदार था, मेजर प्रथम सिंह जी, तो वो काफ़ी अटैकिंग इंसान थे जी। तो एक फोटो मैंने वहाँ खिंचवाया था, मेरा दाढ़ी बड़ी हुई और सरदार नहीं था, मैं एक टोपी पहनी हुई थी, वो फोटो आज भी है, उसकी कई कॉपियाँ थी। तो एक कॉपी में मुझे पता चला सागर आर्ट्स में साईं बाबा बनने वाला है, तो एक उत्साह, और वो फोटो मैं पापा जी के टेबल पे छोड़ के आया था जी। और वहाँ बोला था कि अगर पापा जी आए तो उनको ये दिखा देना जी। पापा जी ने फोटो देखी जी, मुझे फोन करके ऑडिशन पे बुला लिया जी। तब मेरे पास बाइक हुआ करती थी जी, मैं घर से चला मीरा रोड, कांदीवली में सड़क के इस तरफ मैं था, सड़क के दूसरी तरफ जी बाबा का मंदिर, जो सीधा दिखता था, बाबा का स्वरूप दिखता था मंदिर में, और मैं बाइक पे ही बैठे बैठे मैंने बाबा को हाथ जोड़े और बाबा से ये बोला, बाबा ये जो ऑडिशन और जिसके काम के लिए जा रहा हूँ बाबा, ये मेरे को दिला दो, और मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा जी। पता नहीं अंदर से कॉन्फिडेंस था क्या, दिमाग में क्या था, मैं बोला और निकल गया मैं जी। नटराज स्टूडियो, अब नटराज स्टूडियो अभी तो नटराज स्टूडियो नहीं है जी, तो वहाँ कई प्रोड्यूसरों ने मिलके वो नटराज स्टूडियो बनाया था जी। वहाँ मैं पहुँचा तो कोई दाढ़ी लगा रहा था, कोई लाइंस कर रहा था, 50-60 लोग लगे हुए थे बाबा के ऑडिशन के लिए जी। मैं देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा इतना कंपटीशन तो जी। कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी, अरे मुकुल आ गया है अब, भाई इतना ही सुना। फिर अचानक असिस्टेंट आए पापा जी के, उन्होंने कि एक लंबी चौड़ी एक सीन मेरे को पकड़ा दिया, करीब 2-3 पेज का सीन था। अच्छा। और बहुत अच्छा सीन था लेकिन काफी लंबा था जी, तो याद तो कर लिया मैंने जी। फिर उसका मेकअप कर लो जी, आपका नंबर, करीब 1 घंटा हो चुका था जी। तो उसके बाद मेकअप किया, मैं मेकअप में ही सोच रहा था ये ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, लेकिन अंदर से कुछ फील आ नहीं रहा था, कि कुछ होते ना कि एक सीन का जो एक तार कहीं से जुड़ नहीं रहा था मेरे दिल से जी। तो नटराज स्टूडियो में साइड में एक और वो था कि वहाँ ऊपर जाके एक छोटी सी छत थी, मैं वहाँ चला गया जी, और वहाँ मतलब लगा रहा अकेला शांत जगह थी, तो और जी। मुझे पता नहीं था कि काफ़ी देर हो गई, लोग मेरे को ढूंढ रहे थे कि मुकुल मेकअप करके दाढ़ी में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे कुछ सेंस लगा, इसमें ऐसा हो सकता है मतलब, तो उसमें शुरू में बाबा क्रोधित होते हैं और उसमें कि हिंदू मुस्लिम की बातें होती है और बाबा भड़क जाते हैं और उठ के आते हैं, डायलॉग ये वो करके फिर आके जाके शांत होके फिर एक प्रवचन टाइप में कुछ बोला, अभी मुझे याद नहीं जी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है जी, जैसे बाबा शुरू करते धर्म क्या होता है, यहाँ से शुरू होती है और अचानक बाबा भड़क जाते हैं कि जहाँ धर्म के बाद वो हिंदू का खून और मुसलमान का खून, इस तरह की बातें आती हैं कि तुम एक दूसरे गला काटने के लिए तैयार हो जाते हो, सब इंसान के बंदे हैं क्यों, और वो बढ़ के सीधा आगे की तरफ, मैंने उस तरह डिज़ाइन किया फोर्स से आगे की तरफ जाते हैं, जो दंगा कर रहे थे उनको, हेलो जी जी सुन रहे हैं जी, जी दंगा करते हैं उनको रोकते हैं और वहाँ वो भड़कते हैं जी।
तो जब पहुंचा पापा जी के पास तो वहाँ बोला आपको इधर रह के बैठ के ही देना है। तो मैंने कैमरामैन को बोला नहीं, मैंने ऐसा ही सोचा, मैंने कहा पहले यहाँ बैठूंगा फिर फोर्सली मैं उधर आऊँगा, वहाँ इतना डायलॉग बोलूँगा, यहाँ वापस आके फिर शांत मन से यहाँ आके बैठूंगा। नहीं नहीं अभी तो लाइटिंग हो गई है और ये वो जी। तो पापा जी सुन रहे थे, देख रहे थे, मुकुल जैसा कह रहा है वैसा करो संतोष। तो पापा जी 20 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं जी। मेरी जान में जाना ही, मैंने एक सपोर्ट मिला जो मैं करना चाहता हूँ वो करने को मिलेगा चाहे कुछ भी जी। जी खैर 20 मिनट बाद जो शॉर्ट हुआ जी, मतलब क्या बोलूँ, मेरे तो मतलब पसीना और वो डर वो सारी चीज़ें आई और मैं पसीने से लथपथ हो गया था वो उतना सीन करने में। अच्छा ओके कट ठीक है, मैं गया मेकअप वेकअप चेंज करके होता है। अब पापा जी बैठे हुए थे, मैं उनके पैर के पास बैठा, मैंने कहा आ गया अब बोलिए जी, भाग जा तो यहाँ से, यहाँ तेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए मुझे जी। और मैं मतलब थूक निकला भी नहीं जा रहा, उगला भी जा, मैं फिर धीरे धीरे पीछे हुआ और चला आया, बाइक उठाई और अपनी सोच में मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब इतना खराब कर दिया काम। और करते करते फिर वही मंदिर आया, अभी मंदिर मेरे लेफ्ट हैंड पे था जी। अब बाबा ने नजदे, बाबा मैंने अपना काम तो कर दिया, अभी आपकी मर्जी। और एक निराशा सी आ गई थी यार, मैंने इतना सोचा इतनी मेहनत की और जीरो, मन में तो मेरे को ये रोल करने को नहीं मिलेगा। घर घर आ गया उदास सा था, वाइफ ने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया, क्या नहीं तुम्हें क्या लगा, मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। विश्वास करो 2-3 दिन बाद सागर से फोन आता है, हम आपका एक ऑडिशन लेना चाहते हैं। अच्छा एक और, चलो फिर गया, फिर ऑडिशन दिया, फिर वही लंबे पेज और वो हुआ, उसके बाद भाग जा दिखना नहीं चाहिए। हाँ परेशान, फिर 2-3 दिन बाद फिर कॉल आता है, तुम सागर विला में मिलो, जहाँ पापा जी रहते थे जी। वहाँ पहुँचा, फिर वही कैमरा लाइट्स ये वो, कभी मेरे को कच्ची पक्की दाढ़ी लगा के ऑडिशन, कभी बिल्कुल वाइट दाढ़ी लगा के, कभी मतलब जैसे वो थे ना अध खिचड़ी दाढ़ी जो शुरू शुरू में आती वैसी लगाई जी, गई जी। बल कुछ भी बोलो, मैंने कुछ भी बाबा के लिए कुछ भी क्या कर, जो तुम्हारे तेरे मन में है। तो मुझे पिछला जो मैंने कार्य किया हुआ था जो सोनी के लिए बनने वाला था जी, उसके कुछ डायलॉग्स याद आए तो मैंने गुदगुदा दिए जी। तो फिर वही बात हुई कि तू निकल जा यहाँ से, हाँ मुझसे रहा नहीं गया, इस बार थोड़ा सा चेहरे पे हंसी थी, तो अभी निकल जा यहाँ से। मैंने कहा बहुत हो गया, अरे पापा जी एक बात करनी है मेरे को आपसे जी। मैंने कहा अगर मेरे को लेना ही नहीं है तो इतने सारे ऑडिशन और मैं अगर आज नहीं बताएंगे मेरे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मानसिक संतुलन खो बैठूंगा जी। मैं हाथ पकड़ के बिठाया, बोला कर तो बेटा तू ही रहा है, हम तो ये देख रहे थे किस एज में कैसा कैसा दिखेगा। मैंने कहा मतलब कर, तेरा सिलेक्शन बुढ़ापे में तो हमने कर दिया। अच्छा। लेकिन तेरे जोड़ का ना मिडिल एज मिल रहा था, ना ब्लैक दाढ़ी में मिल रहा था, ना खिचड़ी दाढ़ी में कोई आर्टिस्ट सेट ही नहीं हो रहा था जी, इसलिए मैंने तेरा इतना ऑडिशन लिया। अरे मैं तो सीधा बाबा कसम से मैं बाबा जी के चरणों में लेट गया जी जी। अभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं वो सीन सोच के जी जी, क्या बात है, कितने गुरु आदमी जी, और उन्होंने किस तरह से जी मेरे को धीरे 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 मेरे परते खोली, और एक जो क्या बोलूं अभी वर्ड्स नहीं है मेरे पास, और जी वो महान इंसान थे पापा जी जी, बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट जी। कभी बचपन में उनकी
स्टोरी पढ़ी है मैंने, नॉवल, जो मुश्किल से 1.5-2 रुपए या 2.5 रुपए की किताबें होती थी, मैंने लाइब्रेरी में मेरठ में पढ़ी है मैंने जी। ललकार उनकी फिल्म थी, उससे पहले नॉवल आ चुका था जी। मैं फिल्में कम देखता था, लेकिन किसी ने बताया था ललकार, ये जो है ना, ये जो नॉवल है, ये इस पर फिल्म बनी है। अच्छा, फिर तो पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी जी। इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ, बड़ी खुशी हुई जी। एक मज़ेदार घटना, मतलब इसके पीछे जी, पापा जी से भी मतलब सम्मान में, और पापा जी जिनको सबसे अधिक अपना मानते थे वो उनकी थी धर्मपत्नी जी, माता जी जी। मेरे को फाइनल मतलब क्या बोलते हैं, पैसे की लेन देन और कॉन्ट्रैक्ट और उसके लिए बात करने के लिए बुलाया था बंगले में, और खुश खुश गया था मैं जी। मुझे ये पता चल गया था कि कोई एक और है जो मतलब कि अगर मैंने मेरे से बात पटी नहीं तो उसको चांस दिया जा सकता है जी। मैंने कहा अच्छा। भाई तोड़ मरोड़ होगी, अब तोड़ फोड़ होगी मतलब धन के लिए जी। तो मैं अंदर से बड़ा डरा हुआ था कि क्या बोलूँगा, कितने पैसे मांगूंगा, क्या शर्तें होंगी, यही सोच सोच के मैं घर पहुंचा। पापा जी के वहाँ उनका स्विमिंग पूल था जी, वहाँ पापा जी चेयर लगा के बैठे हम दोनों, और उनके ऊपर उनका उनकी बालकनी थी, और मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन माता जी ऊपर खड़ी हुई थी जी। और पापा जी जहाँ होते थे माता जी उनके आसपास ही होती थी जी, मतलब दोनों का इतना मतलब आपस में इतना लगाव, इतने पापा जी बहुत मानते थे जी अपनी धर्मपत्नी को जी। तो बातचीत चली, तो एक रकम पे मैंने बोला तो ये रकम, तो उन्होंने कहा कि इससे हो जाएगा तेरा काम। मैंने कहा अगर ज़्यादा बोल दिया तो आज अभी से मेरा रोल ख़त्म, उसको बुला लेंगे और रोल चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा मेरा काम। डरते डरते मैंने यस किया जी। और वो एक होता ना हल्की सी हंसी के साथ, तो इतनी देर में ऊपर से आवाज आई, और वो ठेठ वो जो वो लोग उस तरफ लाहौर साइड से आए थे ना इंडिया जी, हाँ, जी, पार्टीशन के समय, तो ठेठ पंजाबी थी जी। जो मेरे कुछ कुछ पल्ले पड़ी वो ये था कि हिंदी में कि मैंने तुमसे कह रही हूँ ना कि उसी को ही बुलाओ जिसने सुदामा किया था, वही साईं बाबा का अच्छा रोल कर सकता है जी। तो पापा जी ने ऊपर देखा, अरे भगवान वही बैठा है यहाँ, उसी को बुलाया है। हाँ मेरा सोना बच्चा, मेरा सोना बच्चा जी। अरे मैंने कहा ये आशीर्वाद है, मतलब पहले से ही उनके माता जी के दिमाग में था कि मैं ही कर सकता हूँ। देखिए कितनी उधर मैं बाबा से बोलता हूँ मेरे से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, इधर माता जी बोल रही है कि वही कर सकता है जी। तो इस तरह से ये इंसिडेंस था। फिर मैं पहुँचे और पापा जी के साथ जी। 2-4 दिन हम लोग काफ़ी क्लोज रहे, उठते बैठते डिस्कशन करना कि किस तरह से चलना होगा, क्या करना होगा, और ये सारी बातें होती रहती। रात रात भर हम लोग बैठे, अच्छा बता चल के बता, नहीं नहीं कुछ इस टाइप का चल सकता है तू, फिर मेरे को बताते थे, फिर मैं उसे आगे फॉलो कर, नहीं इसमें ये और जोड़ दे, मैंने कुछ जोड़ा, हाँ बहुत करीब जा रहा है, बहुत करीब जा रहा है, हाँ मतलब ऐसे बच्चों की तरह मेरे को वो करते थे। और लास्ट डे मतलब कल शूटिंग होने वाली है, रात को मेरे को एक इतना ही बोला, जा अब तू सो जा, कल शूटिंग करनी है तेरे, और बुढ़ापे का गेटअप है बिल्कुल, और वही टाइटल सॉन्ग का वही सीन है, साई बाबा क्रेन ऊपर से यूँ आता है, धीरे धीरे आके और फिर बैक होता है क्रेन, और बाबा चलते हुए और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और वो सीन को करना जी। तो मैं काफ़ी दूर उनसे चला गया सोने के लिए, तो पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा, मैंने कहा हाँ, अरे सुन ज़रा सोचते सोचते सोना, मतलब कितनी बड़ी बात कही, सोचते सोचते सोना जी।
मतलब छोड़ना नहीं जी, कैरेक्टर को छोड़ना नहीं कि बिंदास हो गए, सो गए, ऐसा नहीं करना जी। तो वो मेरा पहला लेसन था। तो मैं अंत तक जी मैं इसी चीज को करता रहा और मुश्किल से मैं 2 से 3 घंटा 24 घंटे में सोता था। बाकी मैंने एक शर्त रखी थी, मेरे को सिंगल रूम चाहिए, और दूसरी शर्त थी कि मेरे को सारी स्क्रिप्ट चाहिए जो मतलब शूट होना है, मतलब मेरा सीन नहीं है तो मतलब उस एपिसोड का जो मेरे एपिसोड मेरे सीन्स नहीं है वो भी चाहिए मेरे को। मेरी दो ही शर्त थी कि मैं जिससे कि मेरे को आगे पीछे सीन्स क्या है, किस तरह से ग्राफ चल रहा है, मुझे क्या क्या करना है। तो मेरे पास बंच होता था और मैं ये पढ़ते पढ़ते सो जाता था, आग लग जाती, फिर सुबह उठ जाता था 6 बजे क्योंकि 7 बजे मेकअप रूम में घुसना था। और मैं कभी जिंदगी में शूटिंग में कभी लेट नहीं हुआ हूँ और ना ही कभी होऊंगा। क्या बात। तो इस तरह से मेरी जर्नी साईं बाबा की शुरू हुई और इसमें पापा जी का बहुत बड़ा हाथ है और साथ में बाबा का आशीर्वाद।